तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, हमने प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमने देखा था, और उसके अंदर फिर कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे थे स्पेशल केसेस, ठीक है, यानी नॉट स्पेशल केसेस, यानी जो वैलिड है और कई जगह क्वेश्चन में काम आ जाते हैं, जैसे आर इंटू रूट वन में एटसेट्रा। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग प्रोजेक्शन और इंक्लाइंड प्लेन देखने वाले हैं। तो तुम लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी हो 9th 10th में, लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे जो तुम पढ़ोगे इसमें जो रिजल्ट मालूम है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट तुमको यहाँ पे पता चलेंगे, और उन प्रॉपर्टीज को यूज करके कई सारे क्वेश्चन हम लोग आसान हो जाए। तो ध्यान से देखो, कुछ चीजें रिपीट होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये कि प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइन प्लेन पे मैं फेंक रहा हूँ, तो मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर्स, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को दो दो टुकड़ों में तोड़ ले रहा हूँ। जैसे ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, ये यू है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। कन्वीनियंस के लिए मैंने एक्स और वाई एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रखे हैं, ठीक है। और ग्रेविटी के भी फिर कंपोनेंट्स ऐसे ही तोड़ूंगा, नीचे जी है तो इस तरफ जी कॉस बीटा और इस तरफ जी साइन बीटा, राइट। वापस तुमको पता है जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो कंपोनेंट वाइज हम मोशन को अलग अलग से डील कर ही सकते हैं, राइट। तो अभी अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन वाले कंपोनेंट को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन अगर मैं देखता हूँ तो क्या दिखता है, एक पत्थर है जिसको यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा से फेंक दिया है ना, और इस तरफ ग्रेविटी कितनी लग रही है, जी कॉस बीटा। तो वर्टिकली जब पत्थर फेंकते थे तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, यू स्क्वायर बाय टू जी होता, सॉरी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय टू जी होती थी और टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी आता था। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे दिख रहा है ना एनालॉजी से, क्या हो जाएगा, टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, एक लाइन में आ गया। मैं ऑल दो फॉर्मली भी लिखने वाला हूँ, लेकिन सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो इसको, जो तुमने वन डायमेंशनल मोशन देखा था, समझ में आई बात की नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, सीधे टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, ठीक है। तो ये रिजोल्व किया, उसके बाद देखो ये लिखा, अब फॉर्मली अगर लिखना है तो मैंने क्या लिखा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और टी इक्वल टू कैपिटल टी पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस से शुरू हुआ था और एक्स एक्सिस पे गिर गया, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है इनिशियल की और फाइनल की, तो डिस्प्लेसमेंट में वाई डायरेक्शन में जीरो, तो बस क्या आ गया, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कैपिटल टी होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से प्रेजेंट कर। तो इससे मेरे पास सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना समझ में आया सभी को, ठीक है ना। वही बात लिख दी कि दिस इज सिमिलर टू स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सब्स्टिट्यूशन, यू को यू वाई से रिप्लेस कर दिया और ए को ए वाई से रिप्लेस कर दिया, बस, ठीक है। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए ध्यान देना, एक एलिगेंट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। हम चाहते तो इस तरफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, बट देयर एग्जिस्ट एन इजियर वे ऑफ फाइंडिंग द रेंज, वेरी क्विक मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज। देखो जब प्रोजेक्टाइल हमने फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल को नहीं पता है कि वो इंक्लाइन से टकराने वाला है, प्रोजेक्टाइल तो वैसे ही चल रहा है जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड सोच के चल रहा है, इज इट नॉट, वैसे सोचता वो कुछ भी नहीं है, बट हम सोच सकते हैं कि जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है, राइट। तो उसको थोड़ी ना मालूम है कि बेचारे का माथा फूट जाएगा बीच में, ठीक है, वो तो ऐसे ही जा रहा है कि ऐसे करके ऐसे जाने वाला था, इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने निकाल लिया गिरने के टाइम पे, तो ये मान लो OQ, OQ मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, अगर OQ मिल गया तो OQ सेक बीटा कर दूंगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी, राइट। और OQ निकालना बहुत ही आसान है, OQ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, खत्म। तो यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वो OQ आ गया और सेक बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, रेंज आ गई। तो दिस इज एलिगेंट वे, ठीक है, कोई वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखा मैंने, हाँ, रेंज इज ओपी विच इज नथिंग बट OQ सेक बीटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू हॉरिजॉन्टल इज यू कॉस थीटा, तो दस OQ इज यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज क्या हो गया, OQ सेक बीटा यानी यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू सेक बीटा, तो ये क्या आ गया, सीधे सीधे हमारे पास टू यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो रेंज, अच्छा यहाँ पर इससे देख सकते हो कि रेंज जो है मेरी थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा पे सेम रेंज आएगी, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम आती है ना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड को सोच सकते हो बीटा इक्वल टू जीरो का इंक्लाइन है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो, तुम हमको साइन मैंने बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए साइन कैसे निकाला जाता है, सो जस्ट पुट इंस्टेड ऑफ थीटा यू पुट 90 डिग्री प्लस बीटा माइनस थीटा एंड विल गेट एग्जैक्टली द सेम रेंज, ठीक है, ओके। तो बच्चे कई बार इंक्लाइन प्लेन में यही बोलते रहते हैं कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, तो अब फॉर्मूले भूल नहीं सकते तुम, मतलब अगर भूल भी जाओ तो एक सेकंड में तुमको तरीका पता है कैसे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बता दिया कैसे याद रखना है, और उसके बाद यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू सेक बीटा तुम्हारा रेंज है, तो नाउ यू कैन नॉट फॉरगेट दिस, समझ गए कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला क्लियर है।
ठीक है ओके। अब इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम रेंज के लिए, अगर मुझे प्रोजेक्ट करने तो क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्मूला है रेंज का, इसमें यहां पर भी थीटा आ रहा है, यहां पर भी थीटा आ रहा है, तो दो जगह थीटा से डील करना उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो मैं क्या चाहूंगा, थीटा सिर्फ एक ही जगह आ जाए। तो क्या कर सकता हूं मैं, 2 sin A cos B से इसको एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि थीटा सिर्फ एक टर्म में रहे। तो उस टर्म के बेसिस पे मैं देख सकता हूँ कैसे वेरी करेगी मेरी रेंज। समझ में आ रही बात के लिए? तो 2 sin A cos B क्या होता है, sin A+B + sin A-B। ये तो उनको बेसिक मैथ्स में हमने बताया था फॉर्मूला, वो लगा दिया 2 sin A cos B। तो क्या आ जाएगा, देखो u²g cos²β तो एज इट इज बाहर रख लिया, और 2 sin A cos B से इसको एक्सपैंड किया तो क्या आ गया, sin(2θ - β - sin β। sin(-β) = -sin β। साइन फंक्शन जो होता है ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। अब मेरा काम आसान हो गया, अब मेरे को सिर्फ इसी जगह इसी से डील करना है, रेंज मैक्सिमाइज करनी है तो इसी को मैक्सिमाइज कर दो। समझ में आया कि नहीं, एक ही जगह बचे ना थीटा, तो sin(2θ - β) को 1 पुट कर देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा फिर, यानी कि 2θ - β मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस उसी को रीअरेंज करके देखोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, π/4 + β/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे किस एंगल पे फेंकना है, ये जो है π/4 + β/2 पे फेंकना है। और अभी मैं इसको दिखाने वाला हूँ कि ये जो एंगल है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बाइसेक्टर है, नॉट हॉरिजॉन्टल, बेसिकली इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल का बाइसेक्टर है ये जो π/4 + β/2। अभी थोड़ी देर में उसको देखते हैं, बट इट इज बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंड द इंक्लाइन, वो अभी शायद आगे मैं दिखा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली नोट्स में होना चाहिए, नहीं तो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। अब करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेंज क्या है तो वो देख लो यहाँ पे। तो क्या करो, अब बस 2θ - β को 1 डाल दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, u²g cos²β और यहाँ पे 1 - sin β। अब इसको और अच्छे फॉर्म में हमें याद रखना है, तो cos²β को क्या करो, 1 - sin²β लिख दो और इसको फैक्टराइज कर दो 1 + sin β × 1 - sin β। तो 1 - sin β 1 - sin β कैंसिल हो गया, क्या आ गया u²g × 1 + sin β, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई, u²g × 1 + sin β, ये मैक्सिमम रेंज है, ओके। और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा वही है π/4 + β/2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये चीज दिखाई है, लॉन्चिंग डायरेक्शन इज बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंड द इंक्लाइन, वर्टिकल एंड द इंक्लाइन, दैट इज वर्टिकल एंड द लाइन ओपी, ये ओपी लाइन और वर्टिकल का बाइसेक्टर है, ये देख सकते हो। देखो एक बार ध्यान से, ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, π/2 - β हो जाएगा, π/2 - β हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, π/4 - β/2 हो गया, इतना आधा जो है। अब बीटा प्लस π/4 - β/2 क्या हो गया, π/4 + β/2 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो है डायरेक्शन इंक्लाइन की और वर्टिकल की बाइसेक्टर है। जब भी मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हो वर्टिकल और इंक्लाइन के बाइसेक्टर के लोग फेंकते हैं, तो जब बीटा जीरो होता है तो 45 डिग्री बन जाता है, इसी तरह से इट इज ऑलवेज ट्रू, ओके। बाद में देखेंगे डाउन द प्लेन जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बाइसेक्टर के अलॉन्ग डाउन द प्लेन में मैक्सिमम मिल जाती है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, लैंडिंग स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर टू द लॉन्चिंग स्पीड होती है व्हेन लॉन्च फॉर मैक्सिमम रेंज एंड दिस कैन बी सीन बाय द डॉट प्रोडक्ट। तो मतलब यहां से जब भी तुम मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हो तो ये हमारी लॉन्चिंग स्पीड है और ये यहाँ पे लैंडिंग स्पीड है हमारी, लैंडिंग वेलोसिटी। तो इट टर्न्स आउट कि ये लैंडिंग और लॉन्चिंग स्पीड से होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है जब भी मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हो। कैसे कर सकते हो इसको, तुम्हें पता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो तुमको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पता है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के लिए v = u + t लगा लो, ठीक है, शायद यही क्या होगा मैंने। तो देखो क्या लिखा, इनिशियल वेलोसिटी डॉट फाइनल वेलोसिटी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो u डॉट v मेरे को करना है, तो यानी u.u+at करना है, ठीक है, यानी u²+u.a(t)ऑफ़ लाइट करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, तो यू डॉट ए टी को अलग से निकाला, तो यू इंटू मतलब ठीक है, ये एक्चुअल मैंने बुलवर्क ही किया हुआ है। यू डॉट ए टी में U मेरे को पता है, U मेरा ऐसे करके ऐसे थीटा एंगल पे जा रहा है, G मेरा नीचे की तरफ है, तो वो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 प्लस बीटा बाई टू, समझ में आ रहा होगा ना, ये डायरेक्शन, ये G मेरा ऐसे है और U मेरा ऐसे है, तो ये क्या है 90 डिग्री प्लस 45 प्लस बीटा बाई टू, वो लिखा हुआ है। तो A डॉट B को बेसिकली वो लोअर किया, यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख दिया ये, ठीक है। और फिर तो U, ये माइनस U स्क्वायर ही आ जाता है, मतलब कट पिट के तुम लोग देख सकते हो मैथ्स में क्या ही डिस्कस करूँ, डायरेक्ट मैथ्स है, कट बिट के फाइनली माइनस यू स्क्वायर बचता है एक्चुअली। तो फिर और इसका मतलब क्या, ये यू स्क्वायर और ये माइनस यू स्क्वायर है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब जीरो हो गया, ठीक है, और यही प्रूफ करना था। तो जब भी मैक्सिमम रेंज के लिए तुम फेंक रहे हो तो लॉन्च स्पीड और लैंडिंग स्पीड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये रिजल्ट जो है हमने अभी तो इंक्लाइन के लिए हमने देखा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर इंक्लाइन,
दिस ऑल्सो ट्रू फॉर मैक्सिमम रेंज फ्रॉम अ टॉवर। अगर मान लो टॉवर से फेंक रहे हो, मान लो टॉवर से जमीन पे मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हो, तो क्या है यहाँ पे इंक्लाइन तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो तुम लोग सोच रहे हो इंक्लाइन का रिजल्ट मैं डायरेक्टली कैसे लगा दूं परपेंडिकुलर वाली बात। तो इसके थ्रू एक इंक्लाइन इमेजिन कर लो, इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। अब सोचो अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे रेंज मैक्सिमम होगी तो इस इंक्लाइन पे भी ये रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, क्यों? या तो ये रेंज मैक्सिमम है इंक्लाइन पे या इससे भी ज्यादा रेंज पॉसिबल है। अगर इससे भी ज्यादा रेंज पॉसिबल है तो ग्राउंड को भी आगे कहीं कट करता है, इज इट नॉट? इसका मतलब क्या है, टावर टू ग्राउंड भी अगर मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो तो लैंडिंग स्पीड शुड बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्चिंग स्पीड। समझ में आई बात? करिए कभी भी तुम ऑप्टिमल रेंज के लिए फेंक रहे हो, कभी भी मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हो, तो चाहे टावर टू ग्राउंड फेंक रहे हो, चाहे ग्राउंड टू टावर फेंक रहे हो, चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड फेंक रहे हो, चाहे ग्राउंड चाहे इंक्लाइन टू इंक्लाइन फेंक रहे हो, यानी सेम इंक्लाइन पे, तो हमेशा तुम्हारा क्या होगा मैक्सिमम रेंज के लिए जो लैंडिंग स्पीड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्चिंग स्पीड। बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, ओके। तो इसमें कोई डिस्कशन है तो अभी बोल सकते हो। तो इसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी तो हमने कहा था कि एक स्पीड गिवन है तो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। अब मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं कि एक रेंज के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी। समझ गए ये क्वेश्चन क्या है? पहले था एक स्पीड गिवन है उसके लिए मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एक गिवन रेंज के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो सिचुएशन है मैथमेटिकली आइडेंटिकल सी बात हो। क्यों? क्योंकि अगर गिवन स्पीड के लिए कोई रेंज मैक्सिमम है तो उस रेंज के लिए वही वाली स्पीड मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे कम स्पीड पे वो रेंज अचीवेबल होती तो उस स्पीड पे उससे ज्यादा रेंज अचीवेबल होती है। रिपीट करूं ये बात के लिए? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी गिवन स्पीड के लिए कोई रेंज मैक्सिमम है तो उस रेंज के लिए या तो यही स्पीड मिनिमम है या इससे कम स्पीड में अचीवेबल है, इज इट नॉट? यही हो सकता है ना, लॉजिकली दो ही पॉसिबिलिटीज है। उस स्पीड के लिए ये रेंज मैक्सिमम है तो इस रेंज के लिए तो यही वाली स्पीड मिनिमम होगी या इससे और स्मॉलर स्पीड पे वो रेंज पॉसिबल होगी। अगर मान लो इससे स्मॉलर स्पीड पे यही रेंज पॉसिबल होती तो इस वाली स्पीड से पे इससे लार्जर रेंज पॉसिबल होती, लेकिन इस स्पीड पे तो यही वाली रेंज आई हुई है ना। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, थोड़ा सा छठे दिमाग से सोचो, समझ में आ जाएगा, फिट हो जाएगा दिमाग में। मेरा क्या क्लेम है कि अगर इसी स्पीड के लिए कुछ मैक्सिमम रेंज आ रही है तो उस रेंज के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड वही वाली होगी, उससे कम स्पीड में वो पॉसिबल नहीं होगी रेंज, क्योंकि उससे कम स्पीड में भी वही रेंज पॉसिबल होती तो उस स्पीड पे उससे ज्यादा रेंज पॉसिबल होती। ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा सोचोगे तो फिट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बोलते टाइम, बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग अभी मिनिमम स्पीड के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकालने वाले। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन यू देन दैट यू इज ऑल्सो द मिनिमम स्पीड फॉर अटेनिंग दैट रेंज। ठीक है, दिस इज बिकॉज इफ दैट रेंज यू आर अटेनेबल विद अ स्मॉलर स्पीड देन द रेंज करस्पॉन्डिंग टू दिस यू विल बी लार्जर। अब समझ में आ रही होगी सारी बात। नाउ एट मैक्सिमम रेंज, रेंज क्या था मेरा, यू स्क्वायर अपॉन जी इनटू 1 प्लस साइन थीटा था। अब इसी क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेता हूं तो यू क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आर क्या है, आर तो मेरा ये इंक्लाइन डिस्टेंस है और आर साइन थीटा क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, रूट जी इंटू आर प्लस एच, इंक्लाइन डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होगी किसी भी पॉइंट को हिट करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा, नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट आर साइन थीटा इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द लैंडिंग पॉइंट अबव द लॉन्चिंग पॉइंट। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट ही है। ठीक है, ओके, दस मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगा, टू हिट अ हिट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर एंड वर्टिकल हाइट एच क्या हो जाएगा, यू मिनिमम इज सिंपली रूट जी इंटू आर प्लस एच। ये कम से कम स्पीड चाहिए किसी भी पॉइंट को हिट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना एच जो है हमारी साइंड वैल्यू है, मतलब अगर तुम जिस लेवल से फेंक रहे हो उससे ऊपर के पॉइंट को हिट करना उसी डिस्टेंस पे तो ज्यादा स्पीड चाहिए, उससे नीचे के पॉइंट पे हिट करना तो कम स्पीड में काम हो जाएगा। तो एच एक केस में तुम्हारा पॉजिटिव होगा और एक केस में एच नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ ये चिंता मत करना कि एच नेगेटिव हो गया तो ये कभी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इंक्लाइन डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मोर देन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हम वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? तो ये रिजल्ट वापस हमने किया तो इंक्लाइन के कॉन्टेक्स्ट में डराइव है, लेकिन अगर नहीं भी इंक्लाइन है तो कई जगह इंक्लाइन को इमेजिन करके हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कॉमा बी और ओरिजिन से फेंकना है कोई पत्थर ए कॉमा बी से पास कराने के लिए और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वापस एसेंशियली सेम ही प्रॉब्लम है, नॉट इंक्लाइन इमेजिन कर लो। समझ में बात नहीं, उस इंक्लाइन पे जो उस रेंज के लिए जो चाहिए स्पीड वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आई बात? ओके, दिस फॉर्मूला ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर पॉइंट्स बिलो द लॉन्चिंग पॉइंट, इफ द लैंडिंग पॉइंट इज बिलो द लॉन्चिंग पॉइंट एच इज कंसीडर्ड नेगेटिव, आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है,
एच पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो आई होप दिस रिजल्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को? हाँ, तो ये बस जो बात मैं बोल रहा था वही क्वेश्चन आ गया अभी, तो छोटा सा प्रैक्टिस है, एक मिनट में कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टोन इज टू बी लॉन्च फ्रॉम ओरिजिन टू पास थ्रू पॉइंट ए कॉमा बी, फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड लॉन्चिंग स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड चाहिए होगी ताकि ए कॉमा बी से पास कर सके। तो सिंपल ही है, बस आर की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दो, एच की जगह बी डाल दो, तो बस आ गया आंसर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपकी फॉर्मूला डायरेक्टली डालूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे ये देखो, ये वापस देखो, मैंने बोला था ना कि इंक्लाइन नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों से इंक्लाइन इमेजिन करना चाहिए, तो उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, खुद से ट्राई करना अभी। क्या है क्वेश्चन, अ वॉल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस एक्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन है और इससे एक्स नॉट डिस्टेंस पे मेरे पास कोई दीवार है। ठीक है, और बच्चे क्या है, बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं, उनके पास टॉय गन है जिससे शॉट्स ले रहे हैं वो बार बार ऐसे ऐसे करके, और टॉय गन की जो से जो लॉन्चिंग स्पीड है वो फिक्स है, तो अलग अलग एंगल पे फेंकोगे तो दीवार पे अलग अलग जगह पे इसके मार्क्स बनने वाले हैं, राइट? तो किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम हाइट भी आएगी। तो अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, यू मेरे को फिक्स दिया हुआ है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट हम अचीव कर सकते हैं अगर दीवार मेरी एक्स नॉट डिस्टेंस पे। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो अ वॉल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस एक्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, शॉट्स आर फायर्ड टुवर्ड्स द वॉल एट वेरियस एंगल्स विद द सेम स्पीड यू, फाइंड द मैक्सिमम अचीवेबल हाइट वाई एम दैट कैन बी अचीव इन दिस प्रोसेस। ठीक है, करो ट्राई अभी, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे कुछ मैक्सिमम हाइट है, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, उस पॉइंट से कोई ना कोई इंक्लाइन भी इमेजिन कर सकता हूँ, तो आप उस इंक्लाइन पे रेंज के बारे में सोचते हैं, या तो यही रेंज मैक्सिमम होगी या इससे और ज्यादा रेंज पॉसिबल होती है इस यू पे, लेकिन अगर इससे और ज्यादा रेंज पॉसिबल होती तो और ज्यादा हाइट भी पॉसिबल होती, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मन की आंखों से इंक्लाइन इमेजिन कर लेते हैं, समझ गए कि नहीं? और उसके बाद तो फिर सिंपल ही है। तो अब क्या है, अब मुझे पता है ये यू जो है ये इस वाली रेंज के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड ही होना चाहिए इसका मतलब, राइट? तो यू क्या होता है मेरा, रूट जी इंटू आर प्लस एच होता है, तो आर, सो रूट जी आर की जगह डाल दिया एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर, और एच की जगह डाल दिया वाई एम, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब किसी इक्वेशन को रीअरेंज करना है, वाई एम के लिए सॉल्व करना है, तो देखने से बड़ी गंदी लग रही है, लेकिन उस तरफ होल स्क्वायर करके उधर वाई एम लेके एक और बार होल स्क्वायर करोगे तो बहुत सारी चीजें कट पिट के अच्छा सा बन जाता है। फाइनली जो मेरे पास आएगा कट पिट के, फाइनली ये आ जाता है, मैक्सिमम हाइट आ जाती है यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस हाफ जी एक्स नॉट स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम अचीवेबल हाइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने इसका दूसरा मेथड डिस्कस नहीं किया, एक और मेथड होता है जहाँ पे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से हम कुछ क्वाड्रेटिक बनाते हैं और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हम लिमिटिंग केस में हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लिमिटिंग केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके भी इसका आंसर आता है। ठीक है, तो वो अप्रोच तुम चाहो तो अपने आराम से फ्रेंड दिमाग से सोच लो। ठीक है, एक गिवन एक्स नॉट के लिए वाई को मैक्सिमाइज करना तो उसकी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी है। ठीक है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन चमक जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चमकेगा तो फिर तुम, मैं जब बताऊंगा तो उसको बोलो, उसके बाद बोलोगे अरे ऐसा बोलो, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते नहीं है कि मिस हो जाते हैं और उसके बाद लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल था, इस तरह की बात। ठीक है, तो वही कुछ होने वाला है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ फायर क्रैकर जो दिवाली का जैसे अनार होता है सेंड्स आउट स्पार्क्स एंड सेंडर्स आइसोट्रोपिकली विद स्पीड यू, तो सब दिशा में ये यू स्पीड से ऐसे ऐसे करके ये स्पार्कल्स चल रहे, जैसे देखा ना अनार फायर वर्क जैसे चलता है। ठीक है, find the equation of its safety envelope considering the location of cracker as the origin and gravity in the minus y direction, तो ये मेरा origin है और मुझको इसकी equation बतानी है, यानी basically cross section की equation बनानी है, तो ये मेरा x axis है, ये मेरा y axis है और इस curve की मुझे equation पता लगानी है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब try करो खुद से। Actually ये question बिल्कुल redundant है, इस क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं बनता, ये पिछला ही क्वेश्चन डिस्गाइज में है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक गिवन एक्स पे मैक्सिमम वाई नहीं, इसकी डेफिनेशन कि एक गिवन एक्स पे कितना मैक्सिमम वाई अचीव हो रहा है, दैट्स व्हाट डिफाइंस दिस एनवेलप, राइट? कि इस गिवन एक्स पे वाई मैक्सिमम कितना है, तो ये वही प्रॉब्लम हो गई कि एक्स डिस्टेंस पे बॉल है और बच्चे ऐसे शॉट ले रहे हैं तो मैक्सिमम अचीवेबल हाइट क्या है, खत्म, एक्स नॉट की जगह एक्स डाल दो एंड यू हैव द इक्वेशन, दैट्स इट। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस इसी के अंदर एक्स नॉट की जगह एक्स डाल दो, यू हैव द इक्वेशन। ठीक है, आई ना अरे वाली फीलिंग, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इज इट नॉट, दिस नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन, इट्स द सेम क्वेश्चन इन डिसगाइज, दैट्स ऑल। तो बस वही है, तो क्या लिखा मैंने, लेट एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द सेफ्टी एनवेलप, वाई मस्ट बी द मैक्सिमम अचीवेबल हाइट फॉर अ गिवन एक्स, देयरफॉर दिस प्रॉब्लम एसेंशियली सेम एज द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर एक्स नॉट एंड वाई फॉर वाई मैक्सिमम,
द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज बस सीधे, और ये अभी दिख रहा है ना पैराबोला ही एक्चुअली, ठीक है ओके। दिस हैपेंस टू बी अ पैराबोला, हेंस द वर्ड सेफ्टी पैराबोला, इसको सेफ्टी पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ओके। और अगर ये इक्वेशन नहीं याद है, अब पैराबोला पता है तो फिर तीन पॉइंट से पैराबोला फिट कर सकते हो, वर्टिकल एक्सिस वाला। ये पॉइंट पता तुम्हें यू स्क्वायर बाय टू जी है, और ये पॉइंट क्या आता है तुम्हारा यू स्क्वायर बाय जी आता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो ये यू स्क्वायर बाय जी है, ये यू स्क्वायर बाय जी है, यू स्क्वायर बाय टू जी है, तो थ्री पॉइंट पैराबोला फिट कर वर्टिकल एक्सिस वाला पे फिट करके निकाल सकते हो इसकी इक्वेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं जहां पे ये इंक्लाइन प्लेन पे ऑप्टिमाइजेशन वाला आइडिया हमारा बहुत काम का है। और भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, अभी एक प्रॉब्लम मैं अभी बोल दे रहा हूँ, मतलब सॉल्व आराम से कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मेरे पास एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के ऊपर एक स्नाइपर है, ठीक है, स्नाइपर के पास AK-47 है ओके, और बाजू में लाइट हाउस के आजू बाजू में पूरे समंदर है, जैसे समंदर के बीच में किसी तरह से टावर बनाया हुआ, और पायरेट्स आने वाले हैं आजू बाजू से, समझ गए, और पायरेट के पास भी AK-47। तो क्या होगा, क्योंकि स्नाइपर जो ऊंचाई पे है तो इसको एडवांटेज है, ऊंचाई पे ये ज्यादा दूर तक मार सकता है, इज इट नॉट, मैक्सिमम रेंज इसकी ज्यादा आएगी ऊंचाई से जब मारेगा तो। और जो पायरेट्स हैं वो क्योंकि नीचे से ऊपर मार रहे हैं, इवन तो उनके पास आइडेंटिकल गन्स हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, राइट। तो क्या होगा, जैसे समझो पायरेट्स पास आते जा रहे तो कुछ लिमिटेड डिस्टेंस से पहले तो जो स्नाइपर है ये पायरेट्स को नहीं मार पाएगा, इज इट नॉट, क्योंकि इसकी भी रेंज लिमिटेड ही है, इज इट नॉट। तो पायरेट्स पास आते जा रहे कोई पर्टिकुलर रेडियस होगा जिसके अंदर पायरेट्स जब पहुंच जाएंगे तब वो इसकी रेंज के अंदर आ जाएंगे, तब वो उसको मार पाएगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन पायरेट्स होंगे इसको नहीं मार पाएंगे उस टाइम पे, यानी वन साइडेड बैटल पॉसिबल है, समझ गए कि नहीं। पायरेट्स जब पास आ रहे हैं तो देयर इज अ सर्टेन एनुलर रीजन जहां पे वन साइडेड बैटल होगा, उसके और ज्यादा पास में अगर आ गए पायरेट्स तो फिर ये भी इधर से बजाना शुरू कर देंगे, समझ गए कि नहीं। तो देयर इज एन एनुलर रीजन इन विच द स्नाइपर कैन हिट द पायरेट्स बट द पायरेट्स कैन नॉट हिट द स्नाइपर, और टावर की हाइट एच दी हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब यू विल गेट अ नाइस फाइनल आंसर, बहुत अच्छा आता है। तो ये चाहो तो घर पे अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे बेसिकली शिवाजी की तोप मैंने पहाड़ पे लगा रखी, इंक्लाइन प्लेन है, और इधर से आदिल शाह का रूप आ रहा है, फिर इसी तरह का, मतलब समझ गए, स्ट्रेट एसेंशियली इस तरह की प्रॉब्लम, सर्कल की जगह वहां पे ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है कि रिवर में इधर से ट्रूप्स आ रहे हैं और इधर पहाड़ के ऊपर कैनन है, तो कैनन इधर से इधर तक कहीं पे मार सकती है रिवर, वो लोग रिवर से शूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3D में विजुअलाइजेशन आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन मेरा ऐसे है और रिवर ऐसे करके ऐसे फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी रिवर के लोग कहीं पे पहुंच के ये लोग फिर फायर कर पाएंगे कैनन पे, और कैनन की कुछ रेंज होगी। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पे, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आइडिया लेकिन बहुत यूजफुल है, जो इंक्लाइन प्लेन पे रेंज मैक्सिमाइजेशन वाला आइडिया, जहां पे नहीं भी इंक्लाइन है वहां पे इंक्लाइन बना के हम काम कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन की। तो इट टर्न्स आउट कि डाउन द इंक्लाइन के जो फॉर्मूले वो सारे के सारे बिल्कुल अप द इंक्लाइन जैसे ही हैं, बस कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगेंगे। वो कैसे लगेंगे तो यहाँ पे समझ सकते हो। कंसीडर द एडजेसेंट फिगर, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे यू स्पीड से फेंका और थीटा हॉरिजॉन्टल से लेके फेंका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर ये एंगल वही बीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अलॉन्ग द इंक्लाइन तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा वाला आएगा, और परपेंडिकुलर कॉस साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा है, तो दिख रहा है, बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया, राइट। और ऐसे ही जी के कॉम्पोनेंट देखोगे तो ये जी कॉस बीटा विच इज सेम एज जी कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ माइनस बीटा सेम होते हैं, और ये जी साइन बीटा, तो दिख रहा है कि वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स भी बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करके आ रहे हैं, और एक्सीलरेशन के कॉम्पोनेंट भी बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करके आ रहे हैं, राइट, ठीक है नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या, सारे रिजल्ट्स में रिप्लेस ऑल कर दो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में रिप्लेस ऑल चल रहा है, तो सारे फाइनल रिजल्ट्स में भी रिप्लेस ऑल चलेगा, तो सब जगह बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करके हमारे सारे फॉर्मूले आ गए। इसके बाद मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं किया, बस सीधे मैंने रिप्लेस ऑल करके फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अप द प्लेन का याद रखो, और फिर ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, 2u sin ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा आ जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर sin ऑफ थीटा प्लस बीटा cos थीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ये नहीं याद है तो तरीका मैंने बता रखा है क्या है इसको करने का, हॉरिजॉन्टल रेंज को फिर sec बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, वन माइनस साइन बीटा आ जाता है यहाँ से, ठीक है। उसमें नीचे वन प्लस साइन बीटा था, यहाँ पे नीचे वन माइनस साइन बीटा है। इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि इंक्लाइन प्लेन है, ऊपर की तरफ फेंका तो मैक्सिमम रेंज इतना आया, नीचे की तरफ फेंका तो मैक्सिमम रेंज इतना आया, तो बीटा की वैल्यू क्या है, तो समझ में आ रहा है ना। इससे सीधे तुम्हारे पास वन प्लस साइन बीटा अपॉन वन माइनस साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो और मैक्सिमम रेंज के लिए क्या हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस बीटा बाय टू हो जाएगा, जैसे वहां पे प्लस बीटा बाय टू था, ठीक है। तो क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, रेंज किसके लिए सेम होगी,
वापस वहां पे 90 प्लस बीटा माइनस थीटा के लिए सेम रेंज थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा माइनस थीटा के लिए सेम रेंज, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ओके, वापस लैंडिंग स्पीड जो होगी मैक्सिमम रेंज के लिए वो परपेंडिकुलर होता है लॉन्चिंग स्पीड होगी। ठीक है, और क्या पूछा है, और क्या है, हाँ फॉर आर मैक्स लॉन्चिंग इज एट द बाइसेक्टर ऑफ इंक्लाइन एंड द वर्टिकल एज यूजुअल, वहां पर भी इंक्लाइन का ये वर्टिकल और इंक्लाइन का बाइसेक्टर यानी ऐसे होगी, ये एंगल बराबर, ठीक है मैक्सिमम रेंज के लिए। ओके, तो ये सारी बातें बिल्कुल वैसी हैं, ठीक है अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वही है सारे रिजल्ट्स। ठीक है, तो मन की आंखों से इंक्लाइन बनाने की एक और भी प्रॉब्लम है, ठीक है मेरे को याद नहीं था बट उसके अंदर तो ठीक है हिंट दिया ही हुआ, इनफैक्ट फिगर के अंदर ही हिंट है, बट चलो मैं चाह रहा हूँ कुछ से ट्राई करूँ। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज टू बी लॉन्च फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट एच, ये एच हाइट का टॉवर है, इससे मुझे कोई पार्टिकल लॉन्च करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, ठीक है समझ गए, तो अभी इसका लॉन्चिंग एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, सो एज टू लैंड फार्देस्ट व्हाट शुड बी द एंगल फॉर सच अ प्रोजेक्शन, ठीक है लॉन्चिंग स्पीड यू है, यू एच और जी के टर्म्स में मुझे निकालना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है ना, हाइट दे रखी है, लॉन्चिंग स्पीड दे रखी है, मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लगाना है ताकि ये मैक्सिमम दूरी जाके गिरे। ट्राई करो, ये भी देखो वापस मन की आंखों से इंक्लाइन इमेजिन कर लिया और इंक्लाइन पे, तो मन की आंखों से इंक्लाइन बनाया और इंक्लाइन के ऊपर मेरे को पता है कि मेरी रेंज मैक्सिमम है, तो यानी लॉन्चिंग स्पीड और लैंडिंग स्पीड परपेंडिकुलर बन चाहिए। और दूसरा क्या पता, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा ही कांस्टेंट है, इज इट नॉट, इसका मतलब क्या, यू कॉस थीटा वी साइन थीटा के बराबर होगा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा यू बाई वी, खत्म। और वी कैसे निकलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, राइट। इनफैक्ट ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन होती है, हाफ एम से दोनों को मल्टीप्लाई करो दिख जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, राइट। तो बस tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, u by v आ गया। यहां से देखो tan थीटा इज u by v, सब कुछ भूल जाओगे ये जिंदगी में, कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर फ्रॉम टावर टू ग्राउंड, इट इज ऑल्सो ट्रू फ्रॉम ग्राउंड टू टावर, मतलब मान लो तुमको ये कोई बिल्डिंग है, जमीन से इसके ऊपर कोई चाबी फेंकनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे, ठीक है किसी रीजन से जो भी है, ठीक है तो फिर उसमें भी यही मेथड लग जाएगा। समझ में आई बात के नहीं, छत के ऊपर चाबी ज्यादा से ज्यादा दूर पहुंचानी है तो वापस tan थीटा इक्वल टू u by v वापस आ जाएगा, कोई बस ये है कि वहां पे v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच का अंडर रूट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रहेगा tan थीटा इक्वल टू u by v, इसके लिए हमारी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए भी u और v बराबर है तो 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये रिजल्ट, ठीक है ओके, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, ध्यान रहेगा ये रिजल्ट, ठीक है। हाँ, ये इंक्लाइन का लॉजिक क्या है मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों इंक्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम गिरेगा, उसके थ्रू कोई ना कोई तो इंक्लाइन एग्जिस्ट करेगा, तो या तो ये उस इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज है या उस इंक्लाइन पे इससे ज्यादा रेंज हो सकती है, क्योंकि इतनी रेंज तो हो ही जा रही है ना, तो या तो यही मैक्सिमम या इससे ज्यादा मैक्सिमम, अगर इससे ज्यादा मैक्सिमम है तो वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राउंड पे और फर्दर रहेगा, इज इट नॉट, इसका मतलब क्या, ये उस इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज को ही करेस्पॉन्ड करने से, तो ये इंक्लाइन की लॉजिक है। तो लैंडिंग स्पीड लॉन्चिंग स्पीड परपेंडिकुलर, यू कॉस थीटा वी साइन थीटा टैन थीटा यू बाय वी, फिनिश, ठीक। चलो तो अगले सेक्शन पे चलते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ही है लेकिन मैंने उसको फॉर्मली प्रूव किया था, लेकिन तुमको वापस क्वेश्चन की तरह ही दे रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो क्या है, मेरे पास जमीन से एच वन हाइट पे एक कोई पॉइंट है और एच टू हाइट पे एक कोई पॉइंट है, समझ गए, एच वन और एच टू हाइट पे मेरे पास दो पॉइंट है और जिनका इंक्लाइन डिस्टेंस है वो कितना है आर, समझ गए, पॉइंट पी जो जमीन से एच वन पे, पॉइंट पी जो जमीन से एच टू पे। अब मुझे जमीन से एक पत्थर फेंकना है जो पी और क्यू दोनों के थ्रू निकले, लॉन्चिंग पॉइंट मैं चूज कर सकता अपने हिसाब से, यानी लॉन्चिंग पॉइंट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं एक्सेप्ट कि जमीन पे होना चाहिए, जमीन पे लेफ्ट राइट आगे पीछे जा सकते कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे कहीं पे भी लॉन्चिंग पॉइंट हो सकता है, दैट्स रियली ऑन आवर चॉइस, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि कम से कम कितनी स्पीड लगेगी ताकि पी और क्यू दोनों में से मेरा पत्थर पास हो सके, ठीक है। इसके टर्म्स में आंसर निकालना है, एच वन एच टू और आर के टर्म्स में मुझे ये स्पीड चाहिए कि पत्थर जो मेरा दोनों पॉइंट्स पी और क्यू से निकल सके। लॉन्च पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट्स फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड बट नॉट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इट कैन फ्रीली चूज इट सो लॉन्ग एज इट इज ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है करो ट्राई। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मुझे जमीन के ऊपर स्पीड मिनिमाइज करनी है और तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि जमीन के ऊपर मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिनिमाइज करनी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज करनी है, मैकेनिकल एनर्जी मिनिमाइज करनी, क्योंकि लेवल तो फिक्स ही है। आप सोचो मैं अगर अभी देखो इस प्रोजेक्टाइल को पी से क्यू तक भी जाना है ना, इज इट नॉट, तो पी पे अगर मैंने एनर्जी मिनिमाइज कर दी
तो फिर जमीन पे अपने आप एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन से पी तक तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो बस MgH1 का ही है ना, इज़ इट नॉट? तो मैं इनडायरेक्टली प्रॉब्लम को किसमें रिड्यूस कर सकता हूँ कि मेरे को पी से फेंकना है एक पत्थर जो कि क्यू से पास कर जाए, और फिर पी पे मिनिमम अगर स्पीड मिल गई तो फिर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से जमीन पे मिनिमम स्पीड निकाल सकता हूँ, राइट? तो आप ये तो फिर खत्म ही हो गया। देखो पी से क्यू तो वही इंक्लाइन है, और यहाँ पे वर्टिकल हाइट कितनी है, H2-H1, और इंक्लाइन है मेरा आर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो, तो यहाँ पे P पे मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट जी इंटू आर प्लस H2-H1, ये मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड एट पी हो गया। अब यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखा मैंने, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया तो क्या हुआ, MgR + H2 + MgH1। अच्छा ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ मैंने, सॉरी इसका स्क्वायर लिखा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू जी इंटू आर प्लस H2-H1, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, MgH1, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल टू हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर जमीन के ऊपर, ठीक है? तो बस, तो इससे यू मिनिमम कितना आ गया, रूट जी आर प्लस H2 + H1, ठीक है? तो बस क्या है, यानी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इंटू जी इसका अंडर रूट, ठीक है? तो ये वापस ऐसा रिजल्ट है जो भूलने लायक नहीं है, ठीक है? याद ही रहेगा होपफुली, ठीक है ना, तीन पॉइंट से, ठीक है? क्या लिखा, After cancelling m energy equation, energy conservation equation can be directly written as v² - u² = 2gh. तो बार बार वो half mv square लिखने की जरूरत नहीं, जो ये वाली equation है ना v² - u² = 2gh, ये directly किसी भी point particle के लिए energy conservation ही है, ठीक है? तो ऐसे use करना है इसको। Sphere h is the depth of point where the speed is v from the point where speed is u, ठीक है? So I hope this is clear to everybody, समझ में आया होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। तो वैसे तो ये देखो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिलेटिव मोशन जो है अगले हफ्ते में आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन पहले ही आ जाता है, और कई बार उस तरह के क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन के उसमें भी पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने यहीं पे डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन यहीं पे मैं बता दूंगा प्रोजेक्टाइल्स का। तो देखो क्या लिखा मैंने, सपोज टू बॉडीज ए एंड बी आर बीइंग प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड यू एंड यू बी। दो प्रोजेक्टाइल्स फेंके, एक को यूए से फेंक दिया और एक को यूबी से फेंक दिया, कभी होगा क्या? देखो दोनों का ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पे ग्रेविटी तो नीचे जी डाउनवर्ड ही है ना, तो इट टर्न्स आउट कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जाएगा। तो वही देखते हैं क्या होने वाला है, थीटा ए और थीटा बी पे यूए और यूबी से फेंक दिया, तो अब एक्स ए क्या होगा, यूए कॉस थीटा ए टाइम्स टी, यू कॉस थीटा टी बेसिकली लिखा है, और वाई ए क्या होगा, यूए साइन थीटा ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही मैंने वी के लिए लिख लिया। अभी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी, एक दूसरे के रिलेटेड, तो ट्रैक कर दोगे पोजीशन वेक्टर्स, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो अच्छी बात ये हो रही है कि हाफ जी टी स्क्वायर का टर्म तो खत्म ही हो जा रहा है, इज इट? पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, ये हम लोगों ने वेक्टर्स में थोड़ा सा रिलेटिव पोजीशन पढ़ा था, तो वही चीज लिखी है वेक्टर्स में जो पढ़ा था ना, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए इज पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, राइट? तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया, ये एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप, उसको किया तुमने सिंप्लीफाई तो क्या आ गया, यू बी कॉस थीटा बी माइनस यू ए साइन थीटा ए, सॉरी दिस शुड हैव बीन कॉस थीटा होना चाहिए था यहाँ पे, कॉस थीटा होना चाहिए था यहाँ पे, तो शुड बी कॉस थीटा, ठीक कर लेना अपने नोट्स में, ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखा, ठीक है? इतना आई क्या, और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वो उसके साथ भी दिख रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर पता नहीं हो गया। तो ये मेरा पोजिशन ऑफ बी आर सीन फ्रॉम ए, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, जैसे वेलोसिटी क्या होती है पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव पोजीशन का चेंज, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, यही हो जाएगा ना मतलब। तो वो देखो वो एक कॉन्स्टेंट वेक्टर ही आ गया, टी तो खत्म ही हो गया डेरिवेटिव लिया तो, कॉन्स्टेंट वेक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, बी जो है ए के रिलेटिव हमको स्ट्रेट लाइन में चलता दिख रहा है, या फिर हम अदर वे अराउंड कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से कांस्टेंट डायरेक्शन में चल रहा है, जिसका मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हाँ तो ठीक है ना। तो क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, देयरफॉर पी अपीयर्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द डायरेक्शन गिवन बाय, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी का टैन इनवर्स ले लोगे, ठीक है? तो वी बी ए वाई अपॉन वी बी एक्स, यानी कि इस डायरेक्शन में चलता दिखेगा, ठीक है? ये क्या हो गया, यू बी साइन थीटा बी माइनस यू ए साइन थीटा है, अपॉन यू बी कॉस थीटा बी माइनस यू ए कॉस थीटा है, इसके टैन इनवर्स डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा यहीं पे देखो एक क्वेश्चन ये होता है कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को फिट करनी है, सोच के देखना, इफ यू वॉन्ट वन प्रोजेक्टाइल टू हिट द अदर प्रोजेक्टाइल, तुमने लॉन्च कर दी दो प्रोजेक्टाइल, एक किसी और एंगल पे लॉन्च की, एक किसी और एंगल पे लॉन्च की, और तुम चाहते हो साइमल्टेनियसली मान लो लॉन्च किया,
तुम चाहते हो कि हवा में जाके कहीं पे कोलाइड कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक के रिलेटिव जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, मान लो मैं एक प्रोजेक्टाइल हूं, मान लो मैं कूद पड़ा हूँ, ठीक है, और किसी ने मेरे को कूदते पे गोली लगाई है, गोली चलाई है, ठीक है, तो मैं भी जी से गिर रहा हूँ और मेरी तरफ उसने गोली चलाई है। तो अभी देखो मेरे को क्या दिखना चाहिए, अगर मेरे को गोली लगनी है तो वो गोली डायरेक्टली मेरी तरफ आती आती दिखनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, गोली की रिलेटिव वेलोसिटी, मेरे रिलेटिव जो वेलोसिटी वो एग्जैक्टली मेरे पोजीशन वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, इज इट। बुलेट के रिलेटिव मेरा कुछ पोजीशन वेक्टर होगा और मुझे क्या दिखेगा, बुलेट किसी स्ट्रेट लाइन में चलती दिखेगी, इज इट नॉट। तो वो स्ट्रेट लाइन अगर मेरी तरफ डायरेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को नहीं लगेगी गोली। अगर मुझे गोली लगनी है तो वो बुलेट बिल्कुल डायरेक्टली मेरी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जहां पे प्रोजेक्टाइल के कोलिजंस की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है क्या कि तुमने एक एक बंदर था वो पेड़ पे लटका हुआ था, ठीक है, और मान लो फॉर सम रीजन यू आर अ क्रूएल मैन, तुमने बंदर के माथे की तरफ निशाना लिया, ठीक है, बंदर के फोरहेड की तरफ निशाना लिया, गोली चला दी, और जैसे ही तुमने बंदर के माथे की तरफ गोली चला दी, बंदर ने पेड़ की डाल को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो गोली बंदर के माथे पे लगेगी या नहीं लगेगी? आंसर है बिल्कुल उसके माथे पे ही लगेगी। सोचो क्यों? क्योंकि बंदर ने जब छोड़ा है पेड़ को तो बंदर की वेलोसिटी जीरो है और गोली की वेलोसिटी जो है डायरेक्टेड उसके माथे की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो उसके माथे की तरफ डायरेक्टेड और रिलेटिव पोजीशन भी क्या है, गोली से लेके बंदर के माथे को जोड़ने वाली लाइन, वही रिलेटिव पोजीशन है और वही रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल, और जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन वही हमेशा दिखेगी, इज इट नॉट। तो इनफैक्ट अगर बंदर डाल को नहीं छोड़ता तो हो सकता है कि माथे के लिए थोड़ा नीचे लगता, वो भी कोई अच्छी बात नहीं, बट ठीक है, लेकिन समझ गए। लेकिन अभी तो क्या होगा, अभी एग्जैक्टली माथे पे लगेगी, जहां का एंगल एग्जैक्टली वहीं पे लगेगी, समझ में आई बात की नहीं? क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो और रिलेटिव वेलोसिटी जो है एग्जैक्टली रिलेटिव पोजीशन के अगेंस्ट है, इज इट नॉट। यानी बंदर के रिस्पेक्ट से देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, गोली से बंदर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? तो लगेगी, और अगर किसी और लाइन के अलोंग चलती दिखेगी तो फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। एक और कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स होता है इसमें कि दो प्रोजेक्टाइल्स हमने फायर कर दिए, एक साथ फायर कर दिए और पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके इसमें क्या कर सकते हो? अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा या तो इनिशियल डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होगा या फिर परपेंडिकुलर लाइन करके आएगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इनिशियल भी शॉर्टेस्ट हो सकता है, सोचना। ये तो समझ में आ रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम से दूसरा प्रोजेक्टाइल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो मान लो ये मेरा एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गई है, ठीक है, तो ये तो रुका हुआ अपने फ्रेम से, दूसरा प्रोजेक्टाइल मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिख रहा है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना इसी तरफ चल रहा, मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर परपेंडिकुलर तो मतलब मैथमेटिकली बात है ना, फिजिकली तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, इनिशियल पॉइंट पे ही मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसके बाद तो पीछे की तरफ जा रहा है, बात समझाएगी? तो ये तुम लोगों को कई बार ध्यान से देखना पड़ता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तुमने निकाला है परपेंडिकुलर वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं फिजिकली। बट आई होप ये समझ में आई होगी बात कि एक के रिलेटिव अगर ये स्क्यू लाइन है, बेसिकली इसके थ्रू नहीं पास कर रही है, तो स्क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के या तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या इनिशियल मोमेंट पे जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आई बात। और उसमें भी मतलब कई बार जैसे नॉर्मली सिंपल सा सिचुएशन नहीं होता, कई बार आई जे के में वेलोसिटीज दे रखी होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट से तुम निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह यूज करके साइन थीटा निकाल सकते हो, तो वेक्टर्स से भी हम करके काम कर सकते हैं इसमें। मतलब जनरली दे दिया ना कि आई कैप जे कैप के कैप में प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्टाइल किसी और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में फायर कर दिया, यहां से फायर कर दिया, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स यूज करके वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम से मैंने यहाँ पे डाले नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स, बट आई एम श्योर कर पाओगे जब देखोगे उस तरह का क्वेश्चन, वेक्टर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी के अंदर कुछ और भी मेरे रिमार्क्स हैं तो मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। क्या लिखा, यू बी साइन थीटा भी अगर यू ए साइन थीटा के बराबर हो जाए, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट दोनों के बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों प्रोजेक्टाइल हमेशा सेम लेवल पे दिखेंगे, रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई तो सेम लेवल पे चलते हुए दिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है। तो दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल देन फाई इक्वल टू जीरो, उसका मतलब क्या, बी अपीयर्स टू मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से अगर मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो गए, यूए कॉस थीटा इज इक्वल टू यूबी कॉस थीटा भी, तो फिर क्या है, फाई 90 डिग्री हो जाएगा और एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के ठीक वर्टिकली ऊपर चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, इफ द लॉन्च पॉइंट्स वर नॉट सेम स्टिल द वेलोसिटी एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम इवन द रिलेटिव पोजीशन एक्सप्रेशन विल बी ऑफसेट बाय इनिशियल रिलेटिव पोजीशन। कहने का क्या मतलब है, मान लो सेम पॉइंट से तुमने नहीं लॉन्च किया तो भी क्या फर्क पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी तो वही रहेगा, इज इट नॉट। हाँ, रिलेटिव पोजीशन में किसी जनरल टाइम पे रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे, राइट।
अगर सेम पोजीशन से उसको लॉन्च किया होता, लेकिन अभी क्या सेम पोजीशन से नहीं लॉन्च किया, तो इनिशियल रिलेटिव पोजीशन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, तो रिलेटिव पोजीशन जो हमारा वो कुछ अलग एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो सेम पॉइंट से नहीं लॉन्च किया था। ठीक है, फिर क्या लिखा, फॉर कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स द रिलेटिव मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड बी इन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन एज इनिशियल रिलेटिव पोजीशन। ये बात समझ में आई ना, रिलेटिव मोशन, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो वो रिलेटिव पोजीशन के ठीक अगेंस्ट होना चाहिए। ओके, दैट इज फ्रॉम फ्रेम ऑफ वन प्रोजेक्टाइल द अदर मस्ट अदर वन मस्ट अपीयर टू अप्रोच हेड ऑन फॉर अ कोलिजन। जैसे अभी मैंने मंकी वाली बात की थी, मंकी एंड बुलेट वाली बात। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आई शुड पुट अ मैंगो एंड द स्टोन, यस। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्टाइल्स के पोजीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट मी हाइड द सॉल्यूशन, पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 20 मीटर। तो ये 10 मीटर का या 20 मीटर का, एक साथ हमने प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, पार्टिकल ए जो है 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे लॉन्च किया हमने। ठीक है, और जो पार्टिकल बी है उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर क्या पूछा है, इफ दे कोलाइड इन एयर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। मुझे ये डी डिस्टेंस की वैल्यू पता लगानी अगर ये कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, कई बार बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं, उनको दिखता है कि ट्रैजेक्टरी इंटरसेक्टिंग है तो कोलाइड करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ट्रैजेक्टरी इंटरसेक्टिंग डज नॉट मीन कोलिजन। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं मैं रोड पे कितने लोग करते यार, एक्सीडेंट ही होते यार सारे दिन मेरा। ठीक है, ठीक है, तो सेम टाइम पे सेम जगह पे होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बड़ी रुकी टाइप की मिस्टेक होती है कि इंटरसेक्टिंग ट्रैजेक्टरी में सोच लेते हैं कोलाइड हो रहा है। ठीक है, करो अभी ट्राई। हाँ, इसमें और भी तरह से कर सकते हो, मैंने वेक्टर्स यूज करके किया है, बाकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के बराबर है इस केस में, तो मिड पॉइंट पे मिलने वाले हैं, उसको यूज करके कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने तो वही जो स्टैंडर्ड अपना फैक्ट है वही यूज किया कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है दैट शुड बी अलोंग द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, राइट, या अगेंस्ट द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन को तो क्या बनेगा मेरे पास, तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर निकाला, वही आ गया मेरे पास। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है हमारा, 180 डिग्री प्लस टैन इनवर्स ऑफ 10/20। ये समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्शन क्या है, बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन तुम देख सकते हो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे लोकेटेड है। हाँ, ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन जो है वो टैन इनवर्स हाफ पे होनी चाहिए, समझ में आई बात के लिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट, समझ में आ रहा है, वेक्टर को प्लॉट करना पता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये वेक्टर जो है, तो बस उसके अगेंस्ट मेरी ये होनी चाहिए रिलेटिव पोजीशन, तो बस खत्म हो गया। तो नाउ रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा, वो डी आई कैप प्लस 10j कैप है, ये डी है और ये 20। ठीक है, एक जस्ट वन सेकेंड, रिलेटिव पोजीशन, हाँ क्योंकि ये डी है और ये 10 है, क्योंकि ये 10 ऑलरेडी है, ठीक है, तो बस, तो ये इसका भी टैन इनवर्स हाफ से इक्वेट करती है, डी की वैल्यू क्या 20 मीटर। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव मोशन में, और जनरल 2D प्लेन में भी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हम रिलेटिव मोशन करेंगे, ऑल्दो ऑफिशियली वो सब सर्कुलर मोशन के साथ में कराया जाता है, बट एक्चुअली क्या है, मैकेनिक्स जो होते हैं सब कई चीजें जो है आगे की पहले भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं जो अपना ऑर्डर है उसी में तुम वो कराते चलूंगा। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।